राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान शिक्षा पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला ज्ञान विज्ञान। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम एंटीबायोटिक की कहानी। तनु माँ के साथ छुट्टियों में अपने नाना जी के घर आई हुई है। वो नाना जी के साथ रोज सैर सपाटा मौज मस्ती करती है। बूढ़े नाना जी तनु के आने से जैसे तनु जितने छोटे ही हो गए हों। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, अब रिटायर हो चुके हैं और घर पर ही सुबह शाम रोगियों को देखते हैं। आज तनु नाना जी से कुछ रूठी हुई है। नाना जी हा? मैं घर वापस जा रही हूँ। क्यों क्यों? अरे भाई अभी तो तुम्हारी बहुत सारी छुट्टियाँ बाकी हैं, फिर इतनी जल्दी क्यों? मैं आपसे नाराज हूँ। ओ, तो तनु अपने नाना से नाराज है। जरूर उसके नाना ने कोई अपराध किया होगा। अच्छा तनु जी, आप अपने नाना का कसूर तो बता दीजिए। कसूर? हाँ। कुछ पता भी है? आजकल आप हंसना भूल गए हैं। मैं देख रही हूँ पिछले दो दिनों में आप एक बार भी नहीं हंसे और मुझे कहानी भी नहीं सुनाई। अरे हाँ वो तनु, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल हुआ ये कि मेरे बचपन के एक दोस्त एकाएक बीमार हो गए थे, इसलिए मेरा मन कुछ परेशान सा था। अब ठीक है वो? अब ठीक है? हाँ। तो फिर अब तो हंसिए। अच्छा बाबा। लो हंस दिया, अब तो माफ कर दो बिटिया। तो फिर कोई बढ़िया सी कहानी सुनाइए। वैसे कहानी की शुरुआत तो मेरे पास है। है? तुम्हारे पास कहानी की शुरुआत? अरे भाई वो कैसे? वो ऐसे, ये देखिए। अरे हाँ, अरे अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तनु ने नाना जी को दो कार्टून दिखाए। एक कार्टून में कई भयानक सूरत वाले राक्षस एक आदमी के शरीर में घुसते हुए दिखाए गए थे और दूसरे कार्टून में हरे और सफेद रंग का दवा वाला कैप्सूल बना था। कैप्सूल में से कई तलवारें बाहर निकली हुई थी और आदमी ने कैप्सूल को हाथ में लिया हुआ था और पता है उसका शीर्षक था, इसे खाते ही रोगाणुओं का सफाया हो जाएगा, सबसे प्रभावशाली एंटीबायोटिक। ये देखकर तनु और नाना जी दोनों हंसने लगे। नाना जी। बेटा जी। शरीर में घुसे राक्षसों को ये तलवार वाला कैप्सूल कैसे मारता है, ये तो बताइए। तो बिटिया आज बात यहीं से शुरू करते हैं। जी। दरअसल आदमी के शरीर में घुसने वाले ये राक्षस हैं बैक्टीरिया, यानी रोगाणु, जो मनुष्य को बीमार करते हैं। अच्छा। और ये तलवारों वाला कैप्सूल? जी। ये वो एंटीबायोटिक दवा है जो शरीर में जाकर रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। हो। हाँ। लगता है हाँ? ये कहानी मजेदार होगी। मजेदार? अरे बहुत मजेदार है। अच्छा तो बेटा आज मैं एंटीबायोटिक के आविष्कार की ही कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। बेटी बात बहुत पुरानी है। जी। लंदन के सेंट मेरी अस्पताल की जीवाणु अनुसंधान शाला में डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फ्लू बुखार के रोगाणुओं पर शोध कर रहे थे। जी। खास तौर से तैयार की गई तश्तरियों में घातक रोगाणुओं को पनपने के लिए न्यूट्रिएंट के बीच छोड़ दिया गया था। जी।
उन विशेष तश्तरियों को पेट्री डिश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेट्री डिश। शाबाश बेटी। तो अपनी प्रयोगशाला का काम करके डॉक्टर फ्लेमिंग घर चले गए। फिर क्या हुआ? एक पेट्री डिश में हवा बाहर से सूक्ष्म जीवाणुओं को ले आई। उन्हें बेटा तुम बिन बुलाए मेहमान भी कह सकती हो। तो बेटा वहाँ पहले से ही मौजूद रोगाणुओं के बीच वो भी अपनी संख्या बढ़ाने लगा। तब तो दोनों के बीच बहुत लड़ाई हुई होगी। अरे उस नए जीवाणु ने अपनी रक्षा के लिए एक द्रव छोड़ना शुरू कर दिया। हाँ, उस द्रव के प्रभाव से पेट्री डिश में पहले से ही मौजूद रोगाणु समाप्त होने लगे। अच्छा। और उन मेहमान जीवाणु का कुछ नहीं बिगाड़ सके। उनकी संख्या फिर रोक टोक बढ़ती गई। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर क्या हुआ? फिर बेटा दूसरे दिन डॉक्टर फ्लेमिंग प्रयोगशाला में आए। ओ। और उन्होंने देखा पेट्री डिश पर गोलाकार हरा हरा सा कुछ फैला हुआ है। अच्छा। हाँ, डॉक्टर फ्लेमिंग ने उसे माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के नीचे ले जाकर देखा तो चकित रह गए। अच्छा। हाँ, उन्होंने जिन रोगाणुओं को पनपने के लिए छोड़ा था ना जी, वो मनुष्य के लिए घातक थे। ओ। किंतु मेहमान सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा छोड़े गए एक्सट्रैक्ट यानी द्रव ने उन रोगाणुओं को सफाया कर दिया था। अरे वाह। लेकिन वो हरा हरा क्या था नाना जी? फफूंदी थी बेटा। अच्छा। वैसी जैसी वो बासी डबल रोटी पर लग जाया करती है कि नहीं? हाँ हाँ। हाँ, तो डॉक्टर फ्लेमिंग सोचने लगे अगर उस घातक रोगाणु से पीड़ित व्यक्ति को ये द्रव दिया जा सके तो उसे मौत से बचाया जा सकेगा। अच्छा। हाँ, उस फफूंदी का वैज्ञानिक नाम पेनिसिलियम नोटिटम है। ओ। क्या है? पेनिसिलियम। हाँ, शाबाश बेटा। इसीलिए डॉक्टर फ्लेमिंग ने उसे पेनिसिलियन नाम दिया। ओ। उन्होंने इस प्रयोग को प्रयोगशाला में कई कई बार दोहराया। अच्छा। हर बार फफूंदी से निकला द्रव रोगाणुओं को समाप्त करने में सफल रहा। ये तो चमत्कारी हो गया। हाँ बेटा, हाँ, संयोगवश हुई इस खोज को चमत्कार कहा जा सकता है। पर अभी पूरी सफलता दूर थी बेटा। इसके बाद भी दूर क्यों नाना जी? बेटा अभी सबसे जरूरी काम तो बाकी था, उस द्रव को अलग करना ताकि उसे रोगियों को दिया जा सके। लेकिन बेटा डॉक्टर फ्लेमिंग उस रोगाणु नाशक द्रव को अलग करने में सफल नहीं हो सके। तो फिर बात कैसे बनी? बात बेटा कुछ ऐसे बनी कि डॉक्टर फ्लेमिंग ने अपनी खोज का विवरण प्रकाशित करा दिया। अच्छा। हाँ, फिर अन्य वैज्ञानिक भी इस खोज में लग गए। ओ। हाँ, और लगभग 10 साल बाद दो वैज्ञानिक डॉक्टर फ्लेमिंग का काम पूरा करने में सफल हुए। ओ। हाँ, और पता है ये वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर हार्वर्ड फ्लोरे और डॉक्टर अर्नेस्ट चेन। अच्छा, डॉक्टर हार्वर्ड फ्लोरे और डॉक्टर अर्नेस्ट चेन। हाँ बेटा, फिर तो पेनिसिलिन का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। ओ। और दूसरे महायुद्ध में पेनिसिलिन ने हजारों बीमारों के प्राणों की रक्षा की। अच्छा। हाँ, और फिर इन तीनों यानी डॉक्टर फ्लेमिंग, डॉक्टर फ्लोरे और डॉक्टर चेन को इस मानव कल्याणकारी खोज के लिए सन 1945 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा। हाँ बेटी। लेकिन बेटा पेनिसिलिन तो सब रोगाणुओं को नहीं मार सकती थी ना जी, इसलिए इसके बाद वैज्ञानिकों ने अनेक एंटीबायोटिक दवाएं खोज निकाली। जैसे टेट्रासाइक्लिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, बस ऐसे ही कई दवाएं। नाना जी। बेटा। इन्हें
एंटीबायोटिक क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है तनु तूने। देख, एक जीवाणु द्वारा दूसरे जीवाणु को मारने की क्रिया को एंटीबायोसिस कहा जाता है। ओ, उसी से एंटीबायोटिक नाम पड़ा बेटा। तब तो एंटीबायोटिक दवाइयों को रामबाण दवा कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेटा, ये दवाएं प्रभावशाली तो हैं, पर हर रोग के लिए नहीं। अच्छा। अब कई लोग सोचते हैं कि कोई भी रोग होने पर एंटीबायोटिक दवा ली जा सकती है। ओ। पर बेटा ये विचार गलत है। इन दवाओं का उपयोग अपने डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए, नहीं तो लाभ के बदले नुकसान भी हो सकता है। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी फीस पक्की। अच्छा शैतान। लेकिन तनु, तुमसे तो मैं दवा की नहीं, कहानी सुनाने की फीस लूंगा। नाना जी, मैं इन कहानियों की फीस दूंगी, लेकिन तब। कब? तब। कब? जब मैं बड़ी होकर खुद डॉक्टर बनूंगी। अरे वाह वाह वाह, शाबाश मेरी बच्ची, जीती रहे जीती रहे। हाँ तो बच्चों, बातों ही बातों में तनु ने अपने नाना जी से सीखी कितनी ही नई नई बातें। क्यों, तुमने भी सीखी ना? तो भाई, इसके बारे में अपने साथियों से भी चर्चा करना। बच्चों, आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर यतीश अग्रवाल की चिकित्सा विज्ञान की कहानियां नामक पुस्तक से ली गई एक कहानी पर आधारित है। एंटीबायोटिक की कहानी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख देवेंद्र कुमार, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीतू झांजी, जैमिनी कुमार और मिताली, ध्वनिंकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।